हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आप जो भी अगर आप कर रहे हैं अभी, आप कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ साथ मेरे लिखते भी जाइए, नोट भी करिए उसको। मैं जो आपको करवाने वाला हूँ अभी, आज मैं NCERT सॉल्यूशन चैप्टर 2 का करवाऊँगा आपको, पहले एक्सरसाइज का। इसके बाद हम लेक्चर 2 में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देता हूँ ताकि आप एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर सकें, ईजिली सॉल्व कर पाएंगे आप कॉन्सेप्ट से। तो पहले आप NCERT की बुक में से देख रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा सा अधूरा दिया, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पास, ताकि आपको जो भी है हेल्प हो और हम अच्छे से सॉल्व कर पाएँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले आपको एक चीज़ याद, कुछ कुछ आपको फॉर्मूला जिस तरीके से याद करना पड़ता है ना, उसी तरीके से आपको इनवर्स में छोटी मोटी बातें याद रखना होता है। तो साइन फंक्शन जो होता है, मतलब साइन थीटा जो है, ये आपका बिलोंग करता है -1 से 1, मतलब इसका वैल्यू जो है -1 तक ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं होगा। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं π/2 से -π/2। याद रखिएगा, इसमें आपका वैल्यू चेंज नहीं होता, मतलब कि जो वैल्यू रहेगा उसमें आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके एग्जांपल भी दूंगा इसका, पहले आप वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये कोसेक है, इसका जो वैल्यू है उल्टा हो जाता है, ये भी सेम है -1 से 1 है, लेकिन इसमें आपको लिमिट जो है 0 से π होता है। इसमें क्या होता है, 0 से π होता है, ठीक है। और टेन में भी आपको इस तरीके से दिख रही है, इसमें आपको ध्यान रखना वाली बात नहीं है, आपको ध्यान क्या रखना है, जो मैंने यहाँ लिखा है ना अलग से, वो आपको ध्यान रखना है π/2 से -π/2, ठीक है। और कॉट में भी आपको 0 से π मिलेगा, मतलब इसमें अल्टरनेट है, साइन में है तो π/2 से -π/2। उसको याद रखने का तरीका ये है कि साइन में हमेशा π/2 से -π/2 होगा, कॉस में 0 से π होगा। उसी प्रकार से साइन, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, sin/cos, तो आप साइन में लिख सकते हैं, साइन ऊपर आ रहा है, मतलब इसमें π/2 से -π/2 होगा। और कॉस, कॉट का जो है कॉट, इसमें कॉट में क्या आता है, cos/sin, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, 0 से π तक जाएगा ये, ठीक है। फिर sec क्या होता है, 1/cos, इसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 0 से π। और cosec क्या होता है, 1/sin, तो इसमें आप π/2 से -π/2। इतनी बातें को आपको ध्यान रखना है, फिर आप exercise 1 का पूरा सॉल्यूशन खुद से बना लेंगे। मैं आपको एक बार RD शर्मा भी दिखा देना चाहता हूँ सेम चीज़ को। इसमें क्लियरली मेंशन है साइन इनवर्स, अभी हम इनवर्स पढ़ रहे हैं, मैंने आपको साइन बता दिया, साइन इनवर्स भी सेम ही है, समझ जाइए आप, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, सेम चीज़ है। लेकिन मैं आपको इसमें एक बार RD शर्मा को भी कवर करा देता हूँ फार्मूला के तौर पर। देखिए, साइन का जो डोमेन है रेंज, मैंने आपको डोमेन रेंज बताया एक्चुअली में, लेकिन आप उस तरीके से मत समझिए, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपको। मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से समझिए, आपको पूरा क्वेश्चंस बनेंगे। तो साइन इनवर्स क्या होता है, -1 से 1, तो -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स जो है 0 से π, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। टेन को मैंने आपको बताया किससे किस याद रखना है, -π/2 से π/2 गया है। फिर कोसेक जो है आपका -π/2 से π/2 गया है। सेक 0π से π/2 तक जाता है मैक्सिमम, लेकिन आप 0π ध्यान रखिए। कॉट का भी 0π, जैसे मैंने आपको बताया, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब हम क्वेश्चंस लगाते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं। आप कॉपी पेन, जो भी अपना पेन, कॉपी, पेंसिल, जहाँ भी नोट करना चाहते हैं आप नोट करिए। ये जो ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 2.1 का हम कंप्लीट करेंगे आज, और किस तरीके से लिखना है एग्ज़ाम में वो भी बताऊंगा आपको, CBSE बोर्ड में किस तरीके से लिखना है, और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से आप जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये भी आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका इनवर्स स्टार्टिंग से ही क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ रहे हैं NCERT सॉल्यूशन क्लास 12 एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो इसमें आपको पहला हेडिंग क्या मिलता है, आपको यहाँ पास मिल जाएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसके बाद पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पास मिलता है आपको, साइन इनवर्स 1/2। अब आपको मालूम होगा एक चीज़, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि साइन इनवर्स आपको मैं सॉल्व करके बताऊँगा, अच्छे से क्लियर होगा आपका, सॉल्व करने के बाद अच्छे से क्लियर होता है। यहाँ सामने माइनस है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम गिवन लिख देते हैं एक बार, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख दिया। फिर हम जानते क्या है, यहाँ पास इंटरवल क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का, आप देखिए, हम जानते हैं साइन इनवर्स जो है -1/2, ये किसके में बिलोंग करता है, एंगल, एन एंगल इन -π/2 से π/2। एक बार आपको ये समझ जाना है कि यहाँ बिलोंग करता है
एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है ये समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? ये आप समझ गए। इसके बाद आप देखिए साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, अब इसका आप जानते हैं वैल्यू, अब डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं आप। ये साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू को आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, देखिए साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस सामने आएगा, ये हो जाएगा वन बाई टू, ठीक है? इस तरीके से इसके बाद इसको वन बाई टू क्या होगा, साइन थर्टी होता है, साइन थर्टी किसका होता है, पाई बाय सिक्स, इसका आएगा माइनस पाई बाय सिक्स आंसर। ये कैसे आया, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, ये इसका फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला ये है इसका। देखिए बोर्ड में आपको इस तरीके से लिखना है, लेकिन अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो घबराने की बात नहीं है, अभी सेकंड क्वेश्चन और करेंगे हम तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी नहीं आया समझ तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन लगाने के बाद ही समझ आता है ये चीज़, और आ गया है तो अच्छी बात है, आप अच्छे से आगे सॉल्व करिए जल्दी जल्दी, ठीक है? तो इसमें आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में डायरेक्ट एम सी क्यू फॉर्म में आ रहा है अभी सी बी एस सी में, ठीक है? सी बी एस सी में क्या आ रहा है, एम सी क्यू फॉर्म में आ रहा है, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। अगर आपको मालूम है साइन का माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है तो डायरेक्ट आप ये माइनस को बाहर कर दीजिए अपने हिसाब से, डायरेक्ट माइनस को आप बाहर कर दीजिए, और पाई बाय टू का थर्टी होता है मतलब माइनस पाई बाय सिक्स, डायरेक्ट आंसर है इसका। लेकिन अगर आप बोर्ड में लिखेंगे सब्जेक्टिव में तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन इस बार तो आपका एम सी क्यू आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप जल्दी कर सकते हैं इसको। मैं आपको अभी स्टेप्स बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू। अब देखिए इसमें माइनस तो है नहीं कुछ, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है आपका, इसमें डायरेक्ट आप कह देंगे इसमें, ये कैसे होगा, इसमें आपको मालूम है, ठीक है? क्या मालूम है, कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, कॉस कॉस, ठीक है? रूट थ्री बाय टू किसके में आता है, कॉस के, कॉस थर्टी में ना, तो कॉस थर्टी क्या आएगा, पाई बाय सिक्स। तो मैंने आपको वहाँ एक पिछले में एक स्टेप बताना भूल गया था, यहाँ कॉस और कॉस कैंसिल नहीं होता लगभग, ये मतलब कि आप ये समझने के लिए बोल सकते हैं कि कैंसिल हो गया, इसका डायरेक्ट वैल्यू आता है पाई बाय सिक्स। जैसे आप पिछला क्वेश्चन देखते हैं इसमें मैंने आपको नहीं बताया है, इसमें वन बाय टू मैं डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन यहाँ मेरे को एक स्टेप और लिखना था, यहाँ एक स्टेप क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाय सिक्स और सामने माइनस रहेगा, तब जाके ये माइनस पाई बाय सिक्स आएगा, ठीक है? क्योंकि कट जाएगा ये, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो आप ध्यान से देखिए। अब अगला क्वेश्चन फोकस फोकस से देखिए, एकदम अच्छे से आपका फोकस होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी आसान दे दिया है, कॉस कोसेक टू दे दिया है। अगर साइन में थर्टी में वन बाय टू होता है मतलब कोसेक में भी टू कब आएगा, थर्टी में ही आएगा, इसका भी डायरेक्ट है आंसर, कोसेक इनवर्स टू इज इक्वल टू, इसको वैल्यू क्या आएगा, कोसेक इनवर्स, आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक पाई बाय सिक्स, ठीक है? थर्टी में आएगा इसका वैल्यू, इसका आंसर भी आ गया पाई बाय सिक्स, क्योंकि कैंसल अप हो गया है, कैंसल आउट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। अब इसमें माइनस जब भी आता है ना तो आपको कॉन्सेप्ट एक यूज़ होता है वही वाला, माइनस ये कहाँ बिलोंग करता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसी को ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस पाई बाय टू है डायरेक्ट, आप क्या कर सकते हैं, हाँ बस माइनस को बाहर निकाल दीजिए डायरेक्ट, और रूट थ्री क्या होता है, ओरली सॉल्व करेंगे क्या होता है, रूट सिक्सटी में आता है मतलब पाई बाय थ्री, इसका आंसर होगा डायरेक्ट माइनस पाई बाय थ्री। कैसे आया, माइनस को डायरेक्ट बाहर कर देना है आपको, जब भी इस क्राइटेरिया में फॉलो करेगा तो आपको माइनस को बाहर कर देना है, और डायरेक्ट इसका टेन इनवर्स रूट थ्री किस में आता है, टेन पाई बाय थ्री, टेन इनवर्स टेन कैंसल, आपका आ गया पाई बाय थ्री। चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं एक बार, अब टेन इनवर्स माइनस सामने आ गया इस क्राइटेरिया को देख के, फिर रूट थ्री क्या होगा, टेन पाई बाय सिक्सटी में होता है तो पाई बाय थ्री हो गए, तो ये कैंसिल अप हो गया, टेन टेन कैंसिल, तो माइनस का पाई बाय थ्री। तो हमने फोर चार क्वेश्चन किए, भले टाइम लगा लेकिन हमने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए इसमें। मैं आपको चाहता हूँ कि आपका इस एक्सरसाइज से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर माइनस कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू दिया है, अब इसमें घबराना नहीं है, इसमें आपका हम क्या जानते हैं, इसमें क्वेश्चन के बारे में क्या जानते हैं, कि जीरो से पाई में बिलोंग करता है। तो जब भी ये क्राइटेरिया आएगा, जब भी
जीरो से पाई में बिलोंग करेगा, जो भी वैल्यू है उसमें आपको डायरेक्ट पाई माइनस ये जो वैल्यू है इसको माइनस करना है। आप देखिए सॉल्व करने के बाद ही समझ आएगा आपको, और अगर नहीं आया समझ तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। आपको पेशेंस रखना पड़ता है स्टार्टिंग में। फिर सॉल्व कर रहे हैं, इसमें क्या आएगा कॉस इनवर्स माइनस पाई बाई टू का वैल्यू निकालना है हमको। इसको क्या लिख सकते हो आप, कॉस इनवर्स पाई बाई टू कब आता है, कॉस माइनस पाई बाई टू है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस कब आता है ये माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू कब 60 में आता है मतलब पाई बाई थ्री में, तो आप इसको डायरेक्ट लिखना है पाई बाई थ्री में आता है ये हमको मालूम है, तो आप इसमें माइनस लगा के सामने माइनस पाई बाई थ्री से लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पता है जीरो से पाई जाता है तो मतलब पाई छोटा होने वाला है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप पाई माइनस पाई बाई थ्री, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा यही चीज़, यही टेक्निक को अप्लाई करना है आपको। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कॉस इनवर्स कॉस इसको सॉल्व करिए थ्री पाए माइनस पाए टू पाए बाय थ्री, ठीक है, फिर कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा फिर यहाँ आएगा टू पाए बाय थ्री, तो आपका कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू। आई होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा, अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे और देखिए अब आपको समझ आ ही जाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको अभी तक, मैं यहाँ माइनस वन बाय टू है जीरो से पाए है लिमिट, तो आपको क्या करना पड़ेगा कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाए बाय थ्री, ठीक है, माइनस पाए बाय थ्री कैसे आया क्योंकि आप जानते हैं जीरो से पाए तक गया लिमिट माइनस वन बाय टू कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाए बाय थ्री। अब देखिए जब भी ये क्राइटेरिया आएगा आप इसमें आप सॉल्व करेंगे, जब भी आपका ये चीज़ फॉलो होगा जीरो से पाए आएगा कंडीशन, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पाए माइनस पाए बाय थ्री अपने आप कर देना है, पाए माइनस पाए बाय थ्री ध्यान रखिए पाए माइनस पाए बाय थ्री करना है। इसके बाद आप इसमें सॉल्व करना सिंपली, ये माइनस आपको भूल जाना है, माइनस के कारण ही हमने पाए माइनस पाए बाय थ्री, क्योंकि जीरो से पाए तक बस जाता है ये, अब माइनस क्यों आया है क्योंकि जीरो से पाए तक जाता है, तो हमने डायरेक्ट क्या किया पाए माइनस पाए बाय थ्री किया और सॉल्व कर लिया। इसका आंसर भी आपका हमेशा परफेक्ट आएगा, और ओरली सॉल्व करना भी सिखाऊंगा मैंने आपको बताया था जैसे कि, तो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या करना है ये माइनस को भूल जाना है, जीरो से पाए कॉस जैसे सुने आप दिमाग में आना चाहिए जीरो से पाए लिमिट गए, और डायरेक्ट ये जैसे ही लिमिट गया आपका दिमाग में आया आपको पाए माइनस ये क्या होता है वन बाय टू पाए बाय थ्री, पाए माइनस पाए बाय थ्री क्या टू पाए बाय थ्री, डायरेक्ट आंसर टू पाए बाय थ्री आपको लिख देना है, ठीक है। थोड़ा मैं स्पीड बोल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, वीडियो स्लो करके देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं, इसको और अच्छे से आपको डाउट क्लियर होगा। अब टेन इनवर्स, अब जैसे ही मैंने टेन इनवर्स सुना तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्लिक हुआ कि ये माइनस पाए बाय टू से पाए बाय टू तक जाता है इसका लिमिट। तो देखिए जैसे ये माइनस पाए बाय टू से पाए बाय टू जाता है, इसका मतलब क्या है, ये माइनस को मेरे को बाहर लिखना है, टेन इनवर्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस को बाहर लिख देना है, और वन कब आता है पाए बाय फोर में। तो आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो आपको डायरेक्ट इस तरीके से लिखना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट आप टेन काटिए माइनस पाए बाय फोर, ये इसका आंसर है। तो कितना जल्दी आ रहा है ये कॉन्सेप्ट से आंसर, ये देखिए आप, मैंने आपको दोनों समझा दिया है, एनसीईआरटी मैंने लिख के दिखाया, उसको आप नोट्स के तौर में बना लीजिए, और मैंने आपको आरडी शर्मा में दिखा दिया है किस तरीके से लिखा गया है फॉर्मूला, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए आप। अब क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, इसमें से किसको मालूम है कि सेक टू बाय रूट थ्री कब होता है, इसमें माइनस है नहीं, इसमें कोई भी तामझाम करना नहीं, इसमें बस आपको यह दिमाग में रहना चाहिए सेक है तो जीरो से पाए तक जाए, वैसे इसका यूज़ नहीं है, इसमें माइनस है नहीं सामने, अगर माइनस होता तो हम इसका यूज़ करते पाए माइनस करते डायरेक्ट, लेकिन यहाँ तो यूज़ होना ही क्योंकि डायरेक्ट पॉजिटिव दे दिया आपके पास, तो टू बाय रूट थ्री क्या होता है पाए बाय थ्री मतलब थर्टी में आता है, मतलब पाए बाय सिक्स हो गया, क्योंकि सेक थर्टी क्या होता है टू बाय रूट थ्री, तो आप इसको डायरेक्ट ले सकते हैं सेक टू बाय रूट थ्री इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक थर्टी में आता है मतलब पाए बाय सिक्स ब्रैकेट आंसर आ गया पाए बाय सिक्स। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है सॉल्व करना अब तक, आई होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा पूरा, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को सेकंड टाइम देखिए, आपको कंफर्म आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, कॉट इनवर्स, मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग में स्लो हो सकता है, अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को फास्ट कर लीजिए,
अपने अकॉर्डिंग देखिए, अगर आपको समझ आ गया और मेरे से आगे होने की कोशिश करिए आप सॉल्व करने की, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है। अब देखिए कॉट इनवर्स रूट थ्री आया है, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो से पाया जाएगा। क्यों, अब ये कैसे याद, मेरे को कैसे याद है आप पूछेंगे, मेरे को याद कैसे है चीज़, इसलिए याद है क्योंकि कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बाय साइन। कॉस क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है, मतलब हम पहले प्रायोरिटी देंगे जीरो से पाए को, ठीक है। तो इसका कॉट रूट थ्री मतलब इसका डायरेक्ट आंसर आने वाला है कॉट इनवर्स रूट थ्री का वैल्यू क्या आएगा, कॉट इनवर्स ये रूट थ्री किसका वैल्यू होता है, कॉट का वन बाय रूट थ्री किसका होता है, पाए बाय थर्टी, थर्टी का होता है वैल्यू, थर्टी कब आएगा पाए बाय सिक्स में, इसका डायरेक्ट वैल्यू है पाए बाय सिक्स, आंसर आएगा पाए बाय सिक्स। पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे क्वेश्चन मैंने देखा कॉस इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू, मेरे दिमाग में सबसे पहले आया ये जीरो से पाए का होता है, मतलब इसमें आपको पाया माइनस, ये माइनस को भूल जाना है आपको, माइनस बस इस काम आएगा कि आपको ये जीरो से पाए वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है कि नहीं, ठीक है। तो कॉस इनवर्स माइनस वन बाय रूट टू आया, इसमें डायरेक्ट लिखूंगा मैं कॉस इनवर्स, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अब कॉस वन बाय रूट टू कब आता है, पाए बाय फोर में, कब आता है पाए बाय फोर में, ठीक है। तो मैं लिखूंगा डायरेक्ट पाए माइनस पाए बाय फोर, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब आगे देखिए क्या होता है, कॉस इनवर्स यहाँ आपको सॉल्व करना है अंदर, तो फोर पाए माइनस पाए थ्री पाए होगा, थ्री पाए बाय फोर, तो कॉस थ्री पाए बाय फोर, यह आ गया, कॉस कॉस कैंसिल मान लेते हैं, तो आपका आ गया थ्री पाए बाय फोर, यही आंसर है। तो देखा आपने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से क्वेश्चन मैंने टैकल किया, कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है जो आपने, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन के टाइम में मैंने आपको समझा दिया क्या है, किस तरीके से आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ध्यान देखिए ऊपर कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू, क्वेश्चन नंबर टेंथ एनसीईआरटी का, इसमें आपको डायरेक्ट दिख रहा है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, मेरे दिमाग में सबसे पहले क्लिक हुआ क्योंकि कोसेक वन बाय साइन होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू जाता है इसका लिमिट। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है, तो आपको डायरेक्ट माइनस का कारण बाहर लिख देना है, सबसे पहला स्टेप माइनस को बाहर लिखिए, कोसेक इनवर्स रूट टू कब आएगा, पाई बाय फोर में, ठीक है। तो कोई लिख सकते हैं आप कोसेक पाई बाय फोर, तो आंसर आएगा माइनस पाई बाय फोर, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में अब अगला टॉपिक आता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहला इलेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसमें दो तीन स्टेप एक साथ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ देखते हैं, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाय टू प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए इसका कंडीशन, 10 में क्या होता है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होता है, जिसमें मैंने लिख दिया है यहाँ पास, कॉस इनवर्स में जीरो से पाए। अब ध्यान रखिए इसमें तो डायरेक्ट आपको माइनस अगर रहता है तो सामने आ जाता है और डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कॉस में अगर जीरो से पाए आता है तो हम पाई माइनस करते हैं, इस माइनस को भूल के, जब माइनस होता है तभी अप्लाई होता है, लेकिन उसमें पाई माइनस वन बाय टू किस में आता है, वन बाय टू का वैल्यू होता है कॉस सिक्सटी, कॉस सिक्सटी मतलब पाई बाय थ्री, मतलब पाई माइनस पाई बाय थ्री कहेंगे टू पाई बाय थ्री आएगा, ठीक है। और साइन वर्स माइनस वन बाय टू मतलब माइनस सामने आएगा क्योंकि माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के, तो माइनस में सामने आता है वन बाय टू मतलब पाई बाय थ्री, सॉरी थर्टी होता है, थर्टी में आता है मतलब पाई बाय सिक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से आपको और क्लियरिटी आएगा, ठीक। तो सॉल्व करते हैं इसका, तो पहले आपको क्या करना, वो टेन वर्स इसको क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाय फोर, वन को क्या लिख सकते हैं टेन पाई बाय फोर, पॉजिटिव है कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, कॉस इनवर्स। अब देखिए इसमें आपको माइनस देखिए तो हमने अप्लाई करेंगे पाई माइनस करके, ठीक है अप्लाई करेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, इस माइनस को आपको यूज़ नहीं करना है, इस माइनस को अब यूज़ नहीं करना है, तो क्या होगा यहाँ पास, कॉस पाई माइनस क्या होगा ये पाई बाय सिक्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पाई बाय थ्री आएगा क्योंकि सिक्सटी में होता है मतलब पाई बाय थ्री। तो इसमें ध्यान दीजिए, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, साइन माइनस सामने आएगा, साइन इनवर्स साइन वन बाय टू किस में आता है थर्टी में मतलब पाए बाय सिक्स, नहीं दिख रहा होगा तो देख लीजिए, माइनस मैंने सामने कर दिया है, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखिए, टेन पाए बाय फोर टेन टेन कैंसिल, तो आएगा पाए बाय फोर प्लस कॉस इनवर्स
पाई माइनस पाई बाई थ्री सॉल्व करेंगे क्या आएगा, थ्री ऊपर गया, थ्री माइनस पाई, थ्री पाई माइनस पाई टू पाई, टू पाई बाय थ्री, और कॉस कॉस कैंसिल, डायरेक्ट लिख रहा हूँ टू पाई बाय थ्री, फिर माइनस का साइन पाई बाय सिक्स, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इन दोनों में एलसीएम लेंगे क्या आएगा सिक्स, और फोर और सिक्स में लेंगे एलसीएम तो क्या आएगा ट्वेल्व, तो एलसीएम आगे पूरे का ट्वेल्व, फोर थ्री जा ट्वेल्व तो थ्री पाए प्लस थ्री फोर जा ट्वेल्व तो फोर टू जा एट हो जाएगा एट पाए माइनस सिक्स टू जा ट्वेल्व टू पाए। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो टू फोर एट माइनस टू सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन पाए बाय ट्वेल्व, सिंप्लीफाई कर लो थ्री बाय फोर तो क्या आएगा थ्री पाए बाय फोर, ठीक है। तो यह आंसर, यहाँ ध्यान दीजिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बार बार याद कराने के लिए इसको बार बार लिखा है, इसमें ये सब यूज़ तो होने वाला नहीं, पॉजिटिव नंबर है डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको, लेकिन आपको याद रखना होना चाहिए कॉस का होता है जीरो से पाए और साइन का होता है माइनस पाए बाय टू से पाए बाय टू, ठीक है। तो कॉस का डायरेक्ट करते हैं, कॉस वन बाय टू कब आता है सिक्सटी मतलब पाए बाय थ्री, तो यहाँ कॉस लिखना भूल गया मैं, कॉस पाए बाय थ्री होगा, ठीक है। फिर प्लस टू साइन इनवर्स वन बाय टू कब आता है थर्टी में मतलब पाए बाय सिक्स, तो साइन पाई बाय सिक्स, तो यहाँ साइन साइन कैंसिल, यहाँ कॉस कॉस कैंसिल, तो आएगा आपका पाई बाय थ्री, समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना, कैंसिल टू पाई बाय सिक्स, उस तरीके से समझ सकते हो आप, यहाँ से टू कैंसिल तो क्या आ गया पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय थ्री, तो ये हो जाएगा टू पाई बाय थ्री, यही आपका आंसर है। तो मैंने आपका क्वेश्चन जितना सॉल्व करना था मैंने करा दिया, अब एम सी क्यू देखिए आप किस तरीके से सॉल्व करना है। तो गाइस ये अब हम ये कंप्लीट कर चुके हैं इलेवेंथ क्वेश्चन और ट्वेल्थ क्वेश्चन। अब थर्टीन क्वेश्चन में इसमें डायरेक्ट लॉजिक क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई दिया है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है कि साइन इनवर्स जब भी आएगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये आपके दिमाग में आना ही चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग से एंड तक मैंने कोशिश किया कि आपको याद करवा दूँ और मैंने याद करवा दिया है आपको। तो डायरेक्ट आप इसमें देखिए ना, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू जा रहा है, मतलब डायरेक्ट आंसर क्या होगा, बी आंसर करेक्ट है, और क्या, इसमें आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब रूट थ्री देखिए, टेन सिक्सटी होता है मतलब पाई बाय थ्री, इसमें डायरेक्ट करना है आपको, इसको टेन इनवर्स को देखने के बाद आपके दिमाग में डायरेक्ट ये आना चाहिए माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है, और माइनस नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो रूट थ्री है मतलब क्या आएगा पाई बाय थ्री। अगर आपको समझ नहीं आया है मेरे वीडियो अभी तक, प्लीज़ वीडियो को फिर से देखिए एक बार, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पाई बाय थ्री मतलब पाई बाय थ्री आ गया, टेन टेन कट जाएगा डायरेक्ट पाई बाय थ्री माइनस सेक इनवर्स, अब सेक इनवर्स में जीरो से पाई आता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपको पाई माइनस करना है, और वन बाय टू कब होता है सिक्सटी में, तो सेक में कब हो जाएगा पाई बाय सिक्स में, ठीक है, पाई बाय सिक्स में होगा ना, सिक्सटी पाई बाय थ्री में होगा। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया टेन इनवर्स रूट थ्री का होता है पाई बाय थ्री, डायरेक्ट लिख देंगे आप माइनस सेक इनवर्स माइनस टू कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेक इनवर्स माइनस टू मतलब सेक में डायरेक्ट आपको जाना चाहिए जीरो पाई, जैसे मैंने बताया आपको ऑलरेडी, तब क्या लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री कैसे आया क्योंकि माइनस टू है, माइनस टू को ध्यान मत दो टू को ध्यान दो, टू कहाँ आता है सेक पाई बाय थ्री में टू आता है वैल्यू, तो आपको मैंने बताया रखा है पाई माइनस पाई बाय थ्री करना है आपको, फिर आपको माइनस करेंगे तो क्या आएगा ये इसको करेंगे सॉल्व, इसको इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए आप क्या आएगा थ्री पाई माइनस पाई टू पाई बाय थ्री, इसको माइनस करेंगे तो पाई माइनस पाई बाय थ्री माइनस टू पाई बाय थ्री, आपका आएगा माइनस पाई बाय थ्री, क्योंकि आंसर यहाँ ऑप्शन में अवेलेबल है, तो ये आपका सही, इसमें भी आंसर आपका बी ही है। तो देख लिया आपने किस तरीके से कितना इजी एक्सरसाइज है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।